ट्रेंडिंग का सिलसिला लगातार जारी है और इमरान दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान को बड़ा भाई कहना खुद उन पर सवालिया निशान लगा रहा है। आलम यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर भी हैं। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब खुशामदीद, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर बवाल, इमरान खान को बोला था बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। सिद्धू के बयान पर गरमाई सियासत, अगर आपके बच्चे आर्मी में होते क्या तब भी यही जवाब देते, इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की चुप्पी पूरे कांग्रेस दल का सिद्धू को समर्थन है। सिद्धू के बयान पर मचा घमासान, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार वो पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मत्था टेकने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलकर बुरे फंस गए। मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। यही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बार अपने साथ साथ कांग्रेस को भी मुसीबत में डाल दिया है। ये पहली बार नहीं है जब सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान खान की तारीफ की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचकर आखिर क्या कहा। क्या बात है, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर के मौके पाकिस्तान सब की तरफ से खुशामदीद, मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग, ऑनर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, आई एम ऑनर। शनिवार को करतारपुर साहिब पहुंचने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से सिद्धू का स्वागत किया गया। जैसे ही सिद्धू का काफिला करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, उन पर फूल बरसाए गए। इमरान खान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत करने के लिए करतारपुर साहिब के CEO आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सिद्धू इसके बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए वहां से निकल गए। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में नवजोत सिंह सिद्धू ने मत्था तो टेक लिया, लेकिन इसके बाद उनके बयान पर देश में सियासी कोहराम मच गया। इमरान खान से इतना प्यार। बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई की सड़कों पर मचा कोहराम इस बात का सबूत है कि बीजेपी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को लेकर कितनी आक्रामक है। दरअसल सिद्धू के बयान के विरोध में बीजेपी ने रविवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी नेता राम कदम के समर्थकों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला छीनने को लेकर झड़प तक हो गई। सिद्धू को इतना ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं से प्यार है तो उसे किसने रोका, चले जाए पाकिस्तान। इस प्रकार की कूड़ा कचरे वाली ओछी विचारधारा वालों लोगों को इस भारत के भूमि में उनको कोई जगह नहीं है। वे बिल्कुल खुशी से पाकिस्तान चले जाए। जाते समय अपने साथ सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी, दिग्विजय सिंह, इनकी भी जो कूड़ा कचरे वाली विचारधारा है उनको भी ले जाए। राहुल गांधी की चुप्पी यानी पूरे कांग्रेस दल का सिद्धू को समर्थन है। जब तक कांग्रेसी सिद्धू देश के जवानों की माफी नहीं मांगता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की ओर से एक एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इमरान खान को बड़ा भाई बताकर नवजोत सिंह सिद्धू ने न सिर्फ सीमा पर भारतीय सैनिकों का अपमान किया बल्कि उसके साथ साथ पूरे देश का भी अपमान किया है। तरुण चुग का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। टिफिन बम भेजने वाले आतंकवादी, ह्यूमन बम भेजने वाले इमरान खान को अपना भाई कहकर उन्होंने भारत का अपमान किया है, भारत की सेनाओं का अपमान किया है। उनको सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये केवल इमरान खान उन्हीं के ही भाईजान हैं कि पूरी कांग्रेस के भाईजान। नवजोत सिंह सिद्धू को उनके बयान पर घेरते हुए बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि अगर इमरान खान सिद्धू के बड़े भाई हैं तो फिर छोटे भाई को पाकिस्तान उनके पास ही चले जाना चाहिए। सिद्धू कब क्या कहेंगे
उनके बयानों से उनकी पार्टी संकट में फंस जाती है। पर मैं संत होने के नाते एक नेक सलाह दे सकता हूँ, छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही रहना चाहिए। तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट से राजनीति में आए गौतम गंभीर के भी निशाने पर। गौतम गंभीर ने सिद्धू के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उनके बच्चे आर्मी में होते तब भी वो करतारपुर जाकर इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलते? अगर आपके बच्चे आर्मी में होते क्या तब भी यही जवाब देते या तब भी यही बोलते करतारपुर साहब जाके कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं? इसी कमरों में बैठना या करतारपुर साहब जाके बोलना ये बयान देने बहुत आसान है। उनसे पूछे ना जिन्होंने अपने बच्चों को खोया बॉर्डर पे, उनसे उनकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी, हमने अपने ही बच्चे खोए, हमारी जिम्मेदारी है उनकी। तो कम से कम कुछ तो शर्म रखिए। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन देश सबसे पहले आता है किसी भी पॉलिटिक्स से। अगर आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता किस तरीके की राजनीति है। मेरा सिंपल एक एजेंडा रहता है, मेरी सिंपल एक पॉलिटिक्स है कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है और जवानों से बढ़ के कुछ नहीं है। जो देश की रक्षा करते हैं हम सबको उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों के साथ ना हमारे को उनको बड़ा भाई कहने की ज़रूरत है, ना उनको हक करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से हम अपने जवानों को, हम अपने बच्चों को खोते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सिद्धू के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान ने एक साथ क्रिकेट खेला लेकिन राजनीति में आने के बाद इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। जब आप राजनीति में हैं और खास तौर पर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे एक बड़े पद की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, ऐसे में उनको इस तरीके से अपना बड़ा भाई कह देना, सार्वजनिक तरीके से रह रहकर एक ऐसे देश के लिए अपनी हमदर्दी या उसके पक्ष में ऐसे बयान देना जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि कई और देश जिसकी आतंकी गतिविधियों से पीड़ित रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं यूएन तक इस मसले को उठाया गया है, तो ऐसे में जब आपके ऐसे बयान आते हैं तो ज़रूर वो चिंता का विषय बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिद्धू जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में व्यक्तिगत बयानों को एक तरफ रखकर जब आप कोई बयानबाजी करें तो इस अपने पद की गरिमा का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक ऐसे देश के बारे में हमदर्दी दिखाने से पहले हमारे शहीद जवानों को याद रखने की ज़रूरत है। सिद्धू के बयान पर मचे सियासी संग्राम में शिरोमणि दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने भी नवजोत सिंह के बयान को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सिद्धू के बयान पर कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुझे सिद्धू साहब को पब्लिसिटी चाहिए, कोई जिम्मेवारी नाम की चीज जो है उसका उनको कोई एहसास नहीं है। उनको मालूम है और जानबूझकर ये बात करते हैं। उनको मालूम है कि जब मैं ऐसी बात करूंगा, पाकिस्तान के फेवर में बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर के फेवर में बात करूंगा, तो ये हिंदुस्तान में मीडिया इशू बनाएगा। तो उनको तो चाहिए कि जो उनकी विजिट लेट हुई है वो कवर करेंगे कि मैं पाकिस्तान गया, ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आज की नहीं उनकी पुरानी आदत है कि चाहे देश के सेंटिमेंट के खिलाफ भी बात करनी पड़े तो उनको पब्लिसिटी चाहिए। तो वो काम कर रहे हैं, इस बात से इधर भी उनको जो है टीवी पे पब्लिसिटी मिल रही है तो पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा मिलेगी, उधर उनकी सपोर्ट जो है बढ़ेगी। तो नेचुरली जिन लोगों का काम ही ये बन गया है कि पब्लिसिटी गेन करनी है, चाहे किसी भी तरीके से करना पड़े, कितना भी नीचे जाके करना पड़े, तो वो अपना काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल इग्नोर कर देना चाहिए। शनिवार को बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सिद्धू के बयान के बहाने कांग्रेस को पाकिस्तान प्रेमी बताने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए, सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी, ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई एक्सीडेंटल स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के करतारपुर साहिब से वापस आने पर जब उनके बयान पर मचे सियासी बवाल को लेकर सवाल किया गया तो वो टाल गए।
लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी कही बात का पतंगड़ बना रही है। बात दे पतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है, और अगर अगर ये अहम मुद्दियां तो पटक के पटकाना हो तो कोई भी पटका सकता है, लेकिन लेकिन नहीं नहीं मनशा मुंशा की गल ही नहीं है। मैं किसी का वो नहीं करना, मैं अज गुरु के दर से आया, जी पिछली गल की थी उदो भी यही की थी। क्या सी ना क्या सी ना कि भाई बार्डर खोलो कि अपने लिए क्या है, मेरी तो ना कोई सैंड माइन है ना कोई दुकान है। ये भी एक सच है कि नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान राजनीति में आने से पहले क्रिकेटर रहे और अपने देश के लिए एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं। ऐसे में दोनों में दोस्ताना संबंध होना लाजमी है, लेकिन इमरान के सिर पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद सीमा पार से आतंकवाद को न रोक पाने के इल्जाम है। ऐसे सूरत हाल में नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान को बड़ा भाई कहना सिद्धू पर सवालिया निशान लगा रहा है, और नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।